हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल रामगढ़ कर निखिल में। ये एक नया व्लॉग है और इसके पहले मैंने मुंबई का व्लॉग डाला था जिसमें आप लोगों ने अच्छा खासा प्यार दिया और आशा है कि ऐसे ही आप मेरे चैनल को सपोर्ट और प्यार देते रहेंगे। तो आज का जो वीडियो है वो काफ़ी ख़ास है, वो इसलिए क्योंकि मुंबई का जो भी घूमने का जगह है लाइक मरीन ड्राइव, गेटवे ऑफ इंडिया, ये सारा कुछ आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा। बट तो ये जो व्लॉग है ये है कैंसर पीड़ितों के बारे में, उनके लिए है क्योंकि बहुत ज़्यादा इसके बारे में आपको नहीं पता है। और जब ये बीमारी आती है लोग घबरा जाते हैं, टूट जाते हैं, कई परिवारें बिखर जाती हैं। तो मैंने सोचा कि मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊं और आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपके आसपास जो भी कैंसर पीड़ित हैं, तो आज मैं बताने वाला हूं कि कैसे आप इस बीमारी से लड़ सकते हैं और क्या क्या सुविधाएं जो है उपलब्ध हैं हमारे इंडिया में ही, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, पैसों के लिए, रहने के लिए, खाने के लिए सारा कुछ फ्री उपलब्ध है। लेकिन हम लोगों को पता ही नहीं है कि हम लोग कहाँ जाएंगे और कहाँ पर ये सारा चीज़ हमें अवेलेबल हो सकता है। तो सबसे पहले मैं एक हॉस्पिटल का नाम लेता हूं जो कि इससे लड़ने के लिए सबसे बेस्ट है और एक डेडिकेटेड टीम इसके लिए बहुत मेहनत और बहुत काम कर रही है। TMH टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, जिसको TMC के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें क्या है कि अगर आप किसी भी इंसान को अगर कैंसर डिटेक्ट होता है किसी भी तरीके का, तो आप इसका इलाज यहाँ पे करा सकते हैं। और ये इसका जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल और सबसे बड़ा आप बोलेंगे कि सबसे बड़ा कैंसर सेंटर जो है वो मुंबई परेल में है। और TMH में आपको दो अलग अलग बिल्डिंग्स हैं, एक जनरल वार्ड है और दूसरा प्राइवेट वार्ड है। जिनके पास पैसे अवेलेबल हैं इलाज के लिए वो प्राइवेट वार्ड में दिखा सकते हैं, और जिनके पास पैसों की दिक्कत है वो छोटे शहर गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, उन्हें भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में दोनों का इलाज बराबर तरीके से होता है और सटीक इलाज होता है। तो हम लोग बात करते हैं जनरल वार्ड के लिए कि आप वहाँ कैसे जा सकते हैं, कैसे अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और भी क्या क्या सुविधाएं आपको वहाँ पे मिलेंगी। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे परेल मुंबई में TMH अवेलेबल है। आप जो भी आपका टेस्ट है बाहर का, जहाँ से आपको डिटेक्ट हुआ है कि हाँ आपको कैंसर है या कैंसर होने की संभावना है, तो आप जो है इसको सारे पेपर लेकर के आप मुंबई परेल आ सकते हैं। वहाँ आने के बाद आप जो है सबसे पहले सुबह 8 बजे से लाइन लग जाती है नंबर लगाने के लिए, रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। तो रजिस्ट्रेशन जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। सबसे पहले तो आपका आधार कार्ड, आपका सारा मेडिकल डॉक्यूमेंट्स और आपका जो भी नॉमिनी है उसका आधार कार्ड साथ ही साथ चाहिए होता है। आप जेरोक्स लेकर के आए आधार कार्ड का अपना और अपने नॉमिनी का। और रजिस्ट्रेशन होने के बाद यहाँ पे एक आपको TMH का कार्ड अवेलेबल कराया जाता है, और उस कार्ड में आपको अपने पैसे डालने होते हैं, जो भी आप उसमें TMH में जो भी आपको थोड़ा बहुत खर्च लगता है वो सारा कहीं भी कैश या ऑनलाइन अलग से आप पे नहीं कर सकते हैं, उसी कार्ड में आप
रिचार्ज करेंगे, लाइक वो एक रिचार्ज कार्ड होता है, और सारा डिटेल जो है पेशेंट का उसी कार्ड में धीरे धीरे स्टोर होने लगता है। आप कहाँ से आए हैं, आपका क्या बीमारी है, आपका क्या क्या टेस्ट हुआ है, सारा कुछ। तो आपको ज़्यादा पेपर वाला प्रोसेस ज़्यादा नहीं है यहाँ पे, ताकि वो डाटा भी सारा स्टोर रहे, और अगर आपका कोई पेपर गुम हो जाता है या फट जाता है तो आदमी को नुकसान होता है, वो फिर से टेस्ट कराना पड़ता है। लेकिन अगर आप यहाँ आते हैं तो आपको एक कार्ड बना के दिया जाता है जिसमें कि सारा डाटा इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड होता है, और साथ ही साथ आपको जब कभी भी कुछ पैसे लगने होंगे इस हॉस्पिटल में तो वो कार्ड से ही डिडक्ट हो जाता है। अब हम लोग बात करते हैं रजिस्ट्रेशन होने के बाद आप कार्ड में 500 रुपये का रिचार्ज कर सकते हैं स्टार्टिंग में, और वो पहला रिचार्ज जो है वो कैश काउंटर से होता है। उसके बाद आप खुद से अपने मोबाइल से फ़ोनपे के थ्रू, गूगल पे के थ्रू आप खुद से उस कार्ड को रिचार्ज कर सकते हैं जब जैसा ज़रूरत हो। आपका रजिस्ट्रेशन होने के बाद सबसे पहला OPD आपको उसी दिन डॉक्टर देख लेते हैं, क्या सिचुएशन है और क्या प्रॉब्लम है नहीं है, उस हिसाब से आपको वीक में 2 दिन का OPD प्रोवाइड कराया जाता है, जब आप डॉक्टर से मिल सकते हैं और सारा डिस्कशन कर सकते हैं। तो जब आप पहला दिन मिलेंगे तो डॉक्टर जो है वो अपने हिसाब से सारा जो है टेस्ट वगैरह लिखेंगे आपको, क्या क्या टेस्ट कराने हैं, और सारा टेस्ट आपको हॉस्पिटल के अंदर ही अवेलेबल हो जाता है। तो टेस्ट सारा कराने के बाद आपको जो रिपोर्ट है वो सारे आपके मोबाइल में, व्हाट्सएप में भी आ जाता है, अदरवाइज़ एक एप्लीकेशन है यहाँ के लिए, वो एप्लीकेशन का लिंक मैं डाल दूँगा इस पर। तो वो एप्लीकेशन के थ्रू आपका सारा रिपोर्ट, जैसे मैंने बताया था, सारा ऑनलाइन स्टोर होता है, तो सारा रिपोर्ट आपको विद इन आवर्स आपके मोबाइल पे आ जाता है, और साथ ही साथ उसका एक कॉपी जो है वो एक डॉक्टर के पास भी चला जाता है, जो डॉक्टर आपको अपॉइंट हुआ है, जो डॉक्टर आपको देख रहे हैं उनके पास सारा चला जाता है। आपके कार्ड में सारा इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड होता है। तो ये प्रोसेस है रजिस्ट्रेशन का। इसके अलावा जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि ये कहीं ना कहीं पूरे तरीके से फ्री इलाज है। स्टार्टिंग डेज में आपको जो भी है रजिस्ट्रेशन के लिए या थोड़े बहुत पैसे खर्च होंगे, 2-4 हज़ार रुपया, लेकिन उसके बाद जो है हॉस्पिटल के अंदर बहुत सारे ट्रस्ट, आयुष्मान कार्ड, ESIC और चैरिटीज़ अवेलेबल हैं जो कि आपको हेल्प करते हैं फाइनेंशियली, खाने पीने रहने के लिए आपको बात करना होगा जा करके, वहाँ पे सोशल वर्कर्स रहते हैं। हॉस्पिटल के अंदर एक डेडिकेटेड टीम है जिसको केवट के नाम से जाना जाता है, जो कि मार्गदर्शन करते हैं आपको कि कैसे क्या करना है, कहाँ जाना है, अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा हो, क्योंकि जाहिर सा बात है बड़ा हॉस्पिटल है तो सारा कुछ जान पाना थोड़ा मुश्किल होता है लोगों के लिए। लेकिन अगर आप केवट के पास जाते हैं, आप किसी से भी पूछेंगे कि केवट कहाँ है, वो आपको बता देंगे कौन से रूम में केवट बैठते हैं। ऐसे 506 रूम नंबर जो है वो केवट का होता है, 5वां फ्लोर पे, वहाँ पे आप जा करके उनसे बात कर सकते हैं कि मैं यहाँ से आया हूँ, मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, वो सारा कुछ आपको इजी करके देंगे कि आपको कैसे करना है, कहाँ करना है, कोई टेस्ट समझ में नहीं आ रहा, कहाँ जाना है, दवा कैसे लेना है, वो सारा कुछ आपको वहाँ पे बताते हैं। अब मैं बताता हूँ कि जनरल वार्ड में क्या है कि आपको सबसे पहले बिना कोई ट्रस्ट, चैरिटी या किसी भी तरीके का अगर आप सुविधा अप्लाई नहीं किए हैं तो आपको लगभग ऑलमोस्ट जो है सारा टेस्ट जो है वो 50% पे अवेलेबल होता है। मतलब अगर कोई टेस्ट का दाम 25,000 रुपये है तो आपको 12,000 में वो टेस्ट यहाँ पे अवेलेबल कराया जाता है, मतलब कि आधे दाम पे आपको सारा इलाज का खर्चा लगेगा। उसके अलावा जो है दवाइयाँ भी यहाँ पे आपको सारा अवेलेबल मिलेगा, जितने भी दवाइयाँ हैं वो सारा अवेलेबल है यहाँ पे, और दवाइयों का भी जो दाम है वो आधे से भी कम पे आपको सारी दवाइयाँ मिलेंगी। स्टार्टिंग डेज में आप जब हॉस्पिटल में आते हैं तो आपको 1-2 दिन थोड़ा टाइम लगेगा समझने में, लेकिन उसके बाद आप जा कर के केवट से मिल सकते हैं, सोशल वर्कर से मिल सकते हैं, जितने भी चैरिटीज़ हैं वो आसपास में ही हैं सारे, तो
तो आप उनसे भी मिल सकते हैं और अपना पूरा इलाज फ्री भी करवा सकते हैं। वो सारा जो है आपको आपके अकाउंट में पैसा मिलता है, आपके कार्ड में पैसा मिलता है और हॉस्पिटल के थ्रू भी NC का एक मुहर लगता है जिसको नो चार्ज बोलते हैं। मतलब आप कोई भी दवा लेते हैं या किसी तरीके का जांच कराते हैं तो आपको किसी भी तरीके का पेमेंट नहीं करना पड़ता है, आपका इलाज बिल्कुल मुफ्त हो जाता है। तो स्टार्टिंग डेज में अगर आपको थोड़ा बहुत पैसा खर्च हो रहा है तो आप घबराइए नहीं, वो पैसा भी आप रिकवर कर सकते हैं थ्रू द चैरिटीज़, थ्रू द ट्रस्ट। और हॉस्पिटल में जब भी आप इलाज कराने आते हैं तो बाहर से खाना खरीद के खाने का ही ज़रूरत नहीं है। बहुत सारी चैरिटीज़ जो हैं वहाँ पे अवेलेबल हैं जो कि आपको सुबह का नाश्ता, दिन का खाना और 2-3 बार जो है आप खाना अपना अवेलेबल करा सकते हैं अपने लिए, पेशेंट के लिए, अटेंडेंट के लिए, जो भी लोग पेशेंट के साथ आए हैं उनके लिए। तो खाने का सुविधा आपको हॉस्पिटल के अंदर में कैंटीन भी है, अगर आप पैसे खर्च करके खाना चाहते हैं तो खा सकते हैं, बाहर में भी खाने का सारा अवेलेबल है। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि ज़रूरत है, क्योंकि सारा कुछ आपको यहाँ पे फ्री में खाना तो बिल्कुल फ्री अवेलेबल होता है रोज़ के बेसिस पे। आपको खाने पीने की चिंता नहीं करनी है। जितने भी चैरिटीज़ यहाँ पर चल रहे हैं कैंसर के लिए, वो सारे यहाँ पर हेल्दी खाना लेके आते हैं, दूध, खिचड़ी, पोहा, चावल, दाल, सब कुछ अवेलेबल कराया गया है। उसके अलावा जब आपका जांच चालू हो जाता है, आप हॉस्पिटल में अपना इलाज चालू करवा लेते हैं, तो आप सोचेंगे कि मुंबई जैसे जगह में हम लोग रहेंगे कैसे, बहुत महंगा शहर है। तो टाटा के थ्रू एक अकोमोडेशन भी बना हुआ है जहाँ पे आप फ्री ऑफ कॉस्ट रह सकते हैं, वो भी आपको हॉस्पिटल से ही उपलब्ध कराया जाता है। यहाँ पे आपको पता करना है, M2 काउंटर के पास जाना है, टोकन कटवा के M2 काउंटर में जाएंगे, वहाँ पे आप जो मैडम होती है उनसे रिक्वेस्ट करना है कि हम लोग बाहर से आए हैं, हमारे पास पैसों की दिक्कत है और हमें रहने के लिए जगह चाहिए। तो आपको बांद्रा में मेमोरियल हाउस है अवेलेबल, जो कि टाटा के थ्रू ही ऑपरेटेड है और बहुत सारे ट्रस्ट और चैरिटीज़ मिलके उसे चला रही हैं। तो यहाँ पे आपको पेशेंट के लिए एक बेड मिलता है और अटेंडेंट को नीचे सोना पड़ता है, लेकिन हाइजीन है, पूरा मेंटेन है, साफ़ सफाई सारा कुछ। तो जैसे ही आप यहाँ पे आते हैं आपको रहने का सुविधा मिल जाता है, खाना पीना मिलने लगता है, आपको महीने में 2-3 बार राशन मिलता है चैरिटीज़ के थ्रू। 40 मिनट का सुबह और शाम में खाना बनाने का आपको टाइम दिया जाता है। गैस वगैरह सारा कुछ अवेलेबल है टाटा के थ्रू। किसी भी चीज़ के लिए लाइन लगाना, झगड़ा करना कोई ज़रूरत नहीं है, सारा कुछ सिस्टमेटिक यहाँ पे बना हुआ है। और एक टाइम का खाना भी आपको बॉर्जेस हाउस में, उसमें आपको अवेलेबल कराया जाता है। कैंटीन भी है, आप वहाँ ख़रीद के भी खा सकते हैं, उसके अलावा बना भी सकते हैं। आपको फ्री में राशन उपलब्ध कराया जाता है, फल वगैरह भी आपको महीना में 1-2 दिन जो है ट्रस्ट वाले आकर के, चैरिटी वाले आकर के आपको प्रोवाइड करते हैं। उसके अलावा यहाँ पे पेशेंट्स को मोटिवेटेड रखने के लिए कुछ कुछ एक्टिविटीज़ भी होती हैं, एंटरटेनिंग प्रोग्राम्स भी होते हैं, ताकि जो पेशेंट है वो हमेशा मोटिवेटेड रहे। क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी भी बीमारी से जीतने या लड़ने के लिए, आपका जो स्टेट ऑफ माइंड है वो अच्छा होना चाहिए, आप डरे हुए ना हो, हताश ना हो। बीमारी कितना भी बड़ा हो, अगर आपका सेल्फ मोटिवेशन अच्छा है तो आप किसी भी बीमारी से लड़ सकते हैं। तो आपका यहाँ पे इलाज चालू हो जाता है टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में, आपको रहने का जगह मिल जाता है टाटा के थ्रू, खाना पीना मिलने लगता है और ये सब लगभग 0 कॉस्ट पे होता है। अगर आपके साथ कोई अटेंडेंट है तो उसका 100 रुपये करके पर डे का चार्ज लगता है, अदरवाइज़ पेशेंट का रहना फ्री है। और 2 अटेंडेंट एक पेशेंट के साथ रह सकते हैं, इसका मतलब ये है कि अगर आप 2 अटेंडेंट के साथ रह रहे हैं, एक पेशेंट और 2 अटेंडेंट हैं, तो 200 रुपये पर डे के हिसाब से लगता है, एक अटेंडेंट है तो 100 रुपये पर डे के हिसाब से लगता है। यहाँ पे आपको सुबह सुबह
दूध मिलता है आधा लीटर सभी को, और राशन मिलता है दूध को गर्म करने के लिए और खाना बनाने के लिए 40 मिनट का आपका जो है समय मिलता है। आप पहले से सारा रेडी करके रख सकते हैं, जैसे कि सब्जी वब्जी आप काट के रख सकते हैं, जो आटा है उसको गूंद के रख सकते हैं। तो क्या होगा कि 40 मिनट काफ़ी होता है खाना बनाने के लिए अगर आपका सारा तैयारी पहले से है तो, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे लोग हैं, सबको देखना है, सबको मौका मिलना चाहिए, सबको खाना बनाने का टाइम मिलना चाहिए, तो इसके लिए ये सारा सिस्टम बनाया गया है। और टाटा को दिल से थैंक यू है कि उन्होंने इतना बड़ा हॉस्पिटल, इतना बड़ा अकोमोडेशन और इतना बड़ा सिस्टम चला रखा है सबके लिए, अमीर गरीब हर धर्म हर जाति के लोगों के लिए। और ये आसान बनाते हैं हमारे जीवन को इस बीमारी से लड़ने के लिए। तो जिस किसी को भी ये प्रॉब्लम है, इस बीमारी का आगाज़ हो गया है जिस किसी के भी यहाँ, या आपके आसपास में भी अगर आप देख रहे हैं कि कोई परेशान है, तो प्लीज़ उनको आप TMH टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के बारे में बताएं। TMH आपके और भी लोकेशंस पे अवेलेबल है, जैसे चंडीगढ़, विशाखापट्टनम और बनारस, और भी जगह हैं, मैं उसका भी डिटेल इस पर डाल दूँगा, बट मुंबई जो है वो सबसे बेस्ट है, सबसे बड़ा हॉस्पिटल है कैंसर का इंडिया में। तो आप यहाँ आ सकते हैं, बेझिझक आ सकते हैं, आने के बाद आपको रहना खाना सारा कुछ अवेलेबल हो जाता है। उसके अलावा आपका ट्रीटमेंट जो है सटीक होता है, सबसे अच्छा ट्रीटमेंट होता है, किसी भी तरीके का प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे, हर तरीके का कैंसर का इलाज किया जाता है, चाहे हेड एंड नेक हो या फिर माउथ कैंसर हो, ऑल टाइप ऑफ कैंसर्स के लिए यहाँ पे इलाज उपलब्ध है। लेकिन बात क्या है कि इसके बारे में ज़्यादा जानकारी लोगों को नहीं है कि हम लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ हम कम से कम में इलाज करा सकते हैं और अच्छा इलाज करा सकते हैं। इसीलिए बहुत सारे लोग अपने शहर से बाहर नहीं निकलते हैं और छोटे मोटे डॉक्टर के पास इसे सॉल्यूशन करने का कोशिश करते हैं, लेकिन वो और उलझ जाते हैं क्योंकि वहाँ पे सॉल्यूशन हो नहीं पाता है और भी बात बिगड़ जाती है, साथ ही साथ आपके पैसे भी खर्च हो जाते हैं, कई लोगों के घर ज़मीन बिक जाते हैं इस बीमारी को ठीक करने में। तो प्लीज़ आप ऐसा ना करें और आप बेझिझक मुंबई का टिकट कटाएं और आप इधर आ सकते हैं, TMH में दिखाएं। TMH जो है वो हम सब के लिए है, हमारे लिए ही है, आपको रहने का खाने का सारा सुविधा आपको मिल रहा है, पेशेंट्स को मोटिवेट रखने का सुविधा मिल रहा है, दवाइयाँ मिल रही हैं, आने जाने का आपको ट्रेन का जो है ट्रेन का भी खर्चा आपको 90% जो है वो टाटा उठाती है। जब भी आपको डॉक्टर फॉलोअप में बुलाएंगे कि आपको 3 महीने बाद फिर आना है, 4 महीने बाद फिर आना है, तो आपको भाड़े का भी खर्च नहीं उठाना पड़ेगा, आपका और आपका जो अटेंडेंट है उसका भाड़ा भी लगभग 90% वो आपको हॉस्पिटल के थ्रू प्रोवाइड हो जाता है। यहाँ और भी बहुत सारे ट्रस्ट चल रहे हैं जो कि आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं, मुंबा देवी, सिद्धि विनायक, और भी बहुत सारे हैं जो कि आप यहाँ हॉस्पिटल में आने के बाद केवट से मिलेंगे, वो भी आपको सारा डिटेल बताएंगे। और जब आप यहाँ पे बॉर्जेज हाउस में रहना चालू करेंगे तो जितने भी पेशेंट्स हैं वो सारा आपको इसके बारे में, सारे लोग बहुत हेल्पफुल हैं, आप किसी से भी पूछने में कमी नहीं करना है, जो कुछ भी नहीं समझ में आया आप उनसे पूछेंगे तो तुरंत पता चलेगा, लोग आपका हेल्प भी करेंगे। लेकिन अगर आप पूछेंगे नहीं, अपने प्रॉब्लम को अपने तक बना के रखेंगे, तो वो क्या होगा कि वो प्रॉब्लम ही बना रह जाएगा। लेकिन अगर आप किसी से बात करते हैं इसके बारे में तो डेफिनेटली आपका मदद करने के लिए यहाँ पे बहुत लोग हैं। और महीने का जो आप खाना बनाते हैं तो आपको राशन भी खरीदने का ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे बकायदा आपको महीने में 2-3 बार सफिशियंट राशन प्रोवाइड किया जाता है, जो कि आप आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। और सारा कुछ हाइजेनिक, ये नहीं कि फ्री में मिल रहा है तो जैसे तैसे मिल गया या वैसा, कुछ नहीं, सारा बेस्ट क्वालिटी का आपको फूड मिलता है,
चावल, दाल, आटा, चीनी, राजमा, मटर, चना, आलू, टमाटर, प्याज, सब कुछ मतलब आपको अवेलेबल कराया जाता है। तो जितना आप अपने छोटे सिटी में रह के इलाज कराने में खर्च करेंगे, उससे भी कम खर्च में, मिनिमम खर्च में आप यहाँ पे आ करके इतनी बड़ी बीमारी से जीत सकते हैं। तो आज का जो वीडियो है, ये बनाने का पर्पस मेरा यही है कि जो लोग भी कैंसर से जूझ रहे हैं या जिन्हें भी TMH के बारे में नहीं पता है, वो जल्द से जल्द TMH को कॉन्टैक्ट करें, अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। और TMH का कार्ड जब बन जाता है तो इसका एक और फ़ायदा है कि आप लोकल ट्रेन जो है मुंबई में, उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रैवल कर सकते हैं। उसमें एक डब्बा होता है जिसमें विकलांग, दिव्यांग और कैंसर पेशेंट के लिए ही वो डब्बा होता है, जिसमें आपको कोई भी टिकट कटाने का ज़रूरत नहीं है। तो आपको इतनी सारी सुविधाएं मुझे नहीं लगता है कि कहीं और मिल सकती हैं। फाइनेंशियली आपको सपोर्ट मिल रहा है, खाने का सपोर्ट मिल रहा है, इलाज का सपोर्ट मिल रहा है, दवाइयों का सपोर्ट मिल रहा है, जाँच का सपोर्ट मिल रहा है, हर कुछ। इसके अलावा भी बहुत कुछ है जो कि वीडियो में कवर करना मुश्किल है, इतना सारा सुविधा जो है टाटा ने दे रखा है। तो सबसे मेरी यही गुजारिश है कि प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें, अपने आसपास के जितने भी लोग हैं जो भी इससे परेशान हैं, या जागरूकता के लिए भी आप सबको ये बता सकते हैं। टाटा के बारे में आप खुद भी रिसर्च कर सकते हैं गूगल पे जाके, और मैं यहाँ पे आ करके खुद से सारा कुछ देखा हूँ बहुत नज़दीक से, तो मुझे कहीं ना कहीं सारा आइडिया है। इसीलिए मैं सारा अपना एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ, मैं कोई गूगल से या फिर किसी के बात से मैं आपको ये सारा चीज़ नहीं बता रहा हूँ, मैंने सारा कुछ यहाँ अपने आँखों से देखा है। मैं आपको वीडियो में भी सारा कुछ दिखा रहा हूँ कि कैसे कैसे आप जो है यहाँ पर सारा सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। और आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं रांची से हूँ, झारखंड से, बट मुझे नहीं लगता है कि रांची झारखंड में भी मैं इतना सुविधा और इतना कम पैसा, इतना कम खर्च में इतना बड़ा बीमारी का इलाज करवा सकता हूँ। लेकिन यहाँ आप मुंबई जैसे शहर में जहाँ पे रहने के लिए जगह नहीं है लोगों को और बहुत ज़्यादा महंगा है, बांद्रा जहाँ पे बॉर्जेस मेमोरियल होम है वहाँ पे 50,000-60,000 का एक छोटा सा कमरा का रेंट है, वहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट रहने का सुविधा प्रोवाइड कर रहा है टाटा, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा चीज़ है और ये आपके लाइफ को बहुत इजी बना देता है। तो प्लीज़ इसका फ़ायदा उठाएं और ये जागरूकता अपने अंदर लाएं और इस बीमारी से लड़े और जीते, हमेशा मोटिवेटेड रहे। दुनिया में हर चीज़ का सॉल्यूशन है, भगवान ने ताला बनाया है तो उसका चाबी भी बनाया है, बट हमें क्या है, थोड़ा सा उसके लिए जागरूक रहना होगा, फाइंड करना होगा, किसी भी बीमारी को छोटा ना समझें और जितना जल्दी हो सके, जब ये आपके पकड़ में आता है आप तुरंत से तुरंत TMH की ओर निकलें, टिकट करा के अपना। और यहाँ पे बहुत सारे शहरों से, बहुत सारे छोटे छोटे शहरों से, बहुत दूर दराज से लोग आते हैं, जैसे असम, झारखंड, बिहार, UP, बंगाल। तो आप सोच सकते हैं कि 2,000-3,000 किलोमीटर से लोग आके यहाँ पे इलाज करा रहे हैं, तो कोई ना कोई कारण ज़रूर होगा। उनके आसपास में भी बहुत सारे हॉस्पिटल हैं, बट फिर भी वो यहाँ आते हैं, अपना इलाज कराते हैं और कम से कम खर्च में वो इलाज करा के खुशी हैं। बहुत लोगों का यहाँ अच्छा रिपोर्ट है, अच्छा रिव्यू है, बहुत लोग यहाँ कैंसर से जीत के गए हैं। तो आप भी डरे नहीं, घबराए नहीं और कैंसर को हराएं। तो जितना भी डिटेल्स अवेलेबल था मेरे पास, मैंने शेयर कर दिया आप लोगों को। अदरवाइज़ आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं मेरे चैनल के थ्रू, मैं अपना नंबर भी इस पर डाल दूंगा। अगर किसी को भी ज़रूरत हो आप बिल्कुल मुझे कॉल करें, मैं हमेशा तत्पर हूँ इसके लिए। दुनिया में मदद बहुत बड़ा चीज़ होता है, किसी ने मेरी भी मदद करी है,
और मैं चाहता हूँ कि इसको और ज़्यादा आगे बढ़ाऊँ, और मेरे वजह से किसी ना किसी का अगर जान बचता है, किसी का भला होता है, किसी का घर बार बचता है, तो इससे ज़्यादा खुशी और सुकून का बात कुछ नहीं होगा। तो मेरा जो कॉन्टैक्ट डिटेल है मैं आपको इस पर शेयर कर दूँगा। आपको किसी भी तरीके का जानकारी चाहिए हो, किसी भी तरीके का कंफ्यूजन हो, आप बेझिझक मुझे भी कॉल कर सकते हैं। बाकी का जो डिटेल है या कंफ्यूजन है मैं आपको कॉल पे भी बता सकता हूँ, और बाकी जो वीडियो है उसमें भी आपको सारा डिटेल मैंने बता दिया है। तो इसी के साथ ये वीडियो मैं एंड करता हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें, और हिम्मत कभी नहीं हारने का। बाय बाय।